दोस्तों नमस्कार, नए वीडियो में आपका स्वागत है। अभी मैं नागौर बस स्टैंड पे हूँ और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नागौर में बस स्टैंड के आसपास हम कहाँ रुक सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। आइए शुरू करते हैं। ये नागौर का बस स्टैंड, इससे हम बाहर निकलते हैं। ये यहाँ पर मेन गेट है, आइए चलते हैं। ये हम बस स्टैंड से बाहर आते हैं तो ये सामने रोड चल रहा है, सामने का रोड है ये, और हमें सामने ये जो होटल है, सोलंकी होटल एंड रेस्टोरेंट, इसमें हमें जाना है। आइए चलते हैं। ये हमारे सामने बस स्टैंड का गेट, हम इससे बाहर आते हैं तो ये हमारा सोलंकी, क्या नाम है होटल, सोलंकी होटल एंड रेस्टोरेंट, यहाँ पे हमें आना है। यहाँ ये रेस्टोरेंट भी है और होटल भी है, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, फैमिली एसी केबिन भी यहाँ पर है, और ये आइसक्रीम वगैरह भी यहाँ पर सब मिलती है। तो यहाँ के मैं भैया से मिला देता हूँ आपको। ये यहाँ का पहले हिसाब किताब देख लीजिए, मेन रोड के ऊपर है, बिल्कुल बस स्टैंड के सामने ही है। ये इधर से बस जहाँ अंदर जाती है वो गेट है, और ये पूरा बस स्टैंड का ही सामने कंपाउंड है। ये भैया से मैं आपको बात करा देता हूँ। नागौर टू सालासर हाईवे पे, नागौर टू सालासर, क्या नाम आपका? मेरा नाम रामचंद्र है। रामचंद्र जी, तो आप यहाँ क्या करते हैं? आप यहाँ के मैनेजर हैं क्या? मैनेजर। आप यहाँ के मैनेजर हैं, बहुत ही बढ़िया। इस होटल के बारे में थोड़ा सा बताएं हमें रामचंद्र जी। होटल वाले के 400 रुपये से लेके 1000 रुपये तक का रूम है। 400 से लेके 1000 तक का रूम आपके पास मिल जाएगा। कितने कमरे हैं होटल में अपने? 13 कमरे हैं। 13 रूम हैं इसमें। ओके, आदमी के पास बजट है ना, वैसे काम हो जाता है। ओके ओके, बजट के हिसाब से आप यहाँ रुक सकते हैं। कम बजट है कम में रुक सकते हैं, ज़्यादा बजट है ज़्यादा में रुक सकते हैं। एसी वाले, एसी वाले कमरे भी हैं, तो मतलब ऑप्शन सब है यहाँ पर, सब है। ओके, और होटल रेस्टोरेंट दोनों ही है, रात को 2 बजे तक खाना चलता है। ओके, रात में 2 बजे तक आप खाना वगैरह के लिए खुला ही रहता है? खुला ही। ओके, बजट के ऊपर है, थाली वाला भी सिस्टम है, कम बजट वाले हैं। अच्छा, जैसे आदमी कोई कम खाने वाला है उसके लिए। अच्छा अच्छा, उसमें भी बजट है, थाली खा सकता है जैसा चाहिए उसको, कम बजट में या जैसा खाना खाना खा सकते हैं, जैसा आदमी बजट है वैसे काम हो सकता है। बहुत ही बढ़िया है, और बस स्टैंड के बिल्कुल पास में है, नागौर टू सालासर रोड के ऊपर है। नागौर से जो सालासर रोड जाता है उसी रोड के ऊपर है, जैसे ये सामने ही रोड है तो ये सालासर रोड जा रहा है, इधर ये सालासर रोड है और इधर ये नागौर अंदर सिटी जाता है। तो ये 24 घंटे क्या बताया आपने? 24 घंटे खुला रहता है, 24 घंटे होटल खुला है, आप कभी भी आएँ और कभी भी रुक सकते हैं यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया, मेरे को अच्छा लगा, मैं यहाँ पर रुका हूँ। आपको मैं कमरा भी दिखा दूंगा, मेरा कमरा जो है वो दिखा दूंगा। तो और आप कुछ बोलना चाहेंगे? और क्या सुविधा देते हैं ग्राहक? क्या है और क्या सुविधा है? जैसे कोई सामान के लिए बोलते हो अपने पास उपलब्ध है, हाँ, वो कौन सा देते हैं? जो भी बाकी बाहर से लाना है वो अपने आप खुद अपने। जी जी जी, बाकी सर्विस वगैरह रूम में मिल जाती है? हाँ, तो सामान रूम में सर्विस मिल जाती है। बहुत ही बढ़िया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमसे बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये पूरे स्टाफ के ही लोग हैं जो काम अपने लगे हुए हैं। आइए मैं आपको ऊपर होटल दिखा देता हूँ। ये हम जैसे ही ऊपर आते हैं सीढ़ियों से तो ये 104 नंबर कमरा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखें, बेड है, कूलर लगा हुआ है, पंखा है, और कूलर भी सेंट्रल जैसे होते हैं उस हिसाब से लगा रखा है, और विंडो है, इधर अटैच बाथरूम है, हिसाब किताब है, इधर शीशा लगा है, टीवी है, पानी की व्यवस्था है, टेलीफोन है, ये पूरा सिस्टम हमें मिल जाता है। एक ये कमरा हो गया, दूसरा कमरा मैं आपको और दिखाता हूँ। एक नंबर कमरा है, ये आप देखें, तो इसमें मैं रुका हूँ, जो मेरा सामान है, इसमें भी फैन है, हिसाब किताब है इसका, इधर विंडो है सामने के फ्रंट व्यू में,
इसमें अटैच नहीं है, बाथरूम बाहर है, कॉमन है, जैसे एक इधर रूम है इसका और इसका कॉमन बाहर इधर है, शेयरिंग में बाथरूम है इसमें, ये इतना फ़र्क है और उतना प्राइस का भी इसमें फ़र्क आपको दिख ही रहा है। तो दोस्तों आपने पूरा वीडियो देखा, कैसा लगा अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।